राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में डॉक्टर अंजू शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं डॉक्टर अंजू शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करते हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगी। मैं डॉक्टर अंजू शर्मा सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्य निष्ठा से घोषणा करती हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर अंजू शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रही। राज्यपाल सचिव राजेश शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया। कार्यक्रम पश्चात मीडिया से बात करते हुए नव नियुक्त आयोग सदस्य अंजू शर्मा ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि आयोग के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने का प्रयास करूंगी। परम पिता भगवान के द्वारा जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मैं इसको पूरी डेडिकेशन डिवोशन ऑनेस्टी के साथ निभाऊंगी। मैंने अपने जीवन काल में लगभग 3 दशक से ज़्यादा जो टीचिंग में रिसर्च में और एडमिनिस्ट्रेशन में प्राप्त की हैं मैं उन अनुभवों के साथ इस सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूंगी। प्राथमिकता मेरी रहेगी कि किसी भी कार्य को मैं पूरी निष्ठा से और सत्य वचनों के साथ ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूँ।